पोस्टमेनो हाँ 75-year-old पोस्टमेनोपॉजल लेडी केम विथ हाँ कंप्लेन ऑफ इची अल्सरेटिव लीजन ओवर राइट लेबिया। ओके, द लीजन इज ऑफ व्हाट टाइप? अल्सरेटिव लीजन। अल्सरेटेड लिगेंड. ओके ठीक है. एंड शी हैज कम विद व्हाट कंप्लेन? जस्ट विद द लिगेंड और सम अदर सिम्टम्स एज वेल? टीचिंग इचिंग फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 3 months। ठीक है. अब आप इसको प्रोसीड कैसे करेंगी फॉर द केस एनालिसिस? मैम इस एज ए स्ट्रक्चर डिस्कशन कर हाँ लूं? जी, स्ट्रक्चर डिस्कशन की ही हम बात कर रहे हैं कि आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगी. मतलब ये कि जाहिर एक पेशेंट आपके पास आया, इस प्रॉब्लम के साथ आया, यू हैव टू रीच एट अ डायग्नोसिस, एंड टू रीच एट अ यस डायग्नोसिस यू नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन, जो हमारा एक नॉर्मल एक यस पैटर्न होता है फॉर स्ट्रक्चर डिस्कशन. जी जी तो शुरू, आप ओके शुरू कीजिए. जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर करिया जफर एंड आई एम फ्रॉम द गायनी डिपार्टमेंट एंड आई एम रेडी फॉर द स्ट्रक्चर डिस्कशन। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ द पेशेंट, पैरिटी ऑफ द पेशेंट, हर ऑक्यूपेशन, हर हस्बैंड नेम, द एजुकेशन ऑफ द पेशेंट एंड हर लास्ट एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग शी इज पोस्ट मीनोपॉजल। अच्छा, एक मिनट आपको मैं 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ. करीहा, हमें ये बताइए कि ये आपका एक्चुअल कोई केस सिनेरियो था या कि कोई एग्जाम केस सिनेरियो था या आपने इसको खुद से फॉर्मुलेट किया? मैम ये एग्जाम के सिनेरियो था एग्जाम था. और ओके उसके अंदर उन्होंने इसके साथ जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट रखी हुई थी। ओके ओके चले ठीक है. अब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे हैं, ठीक है? तो आपने ये सारी और क्या क्या पूछना है? अच्छा देन आई वांट टू नो दैट फ्रॉम हाउ लॉन्ग शी इज पोस्ट मेनोपॉजल एंड आई वांट टू नो दैट फ्रॉम हाउ लॉन्ग शी इज हैविंग दिस अल्सरेटिव लीजन एंड इज इट एसोसिएटेड विद एनी पेन, ब्लीडिंग और एनी फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, एनी एस एनी एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग शी इज हैविंग इचिंग एंड अलोंग इज देयर एन इचिंग और एनी लीजन्स ऑन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट एनी बाउल कंप्लेन्ट्स लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी सिम्टम्स, बर्निंग मिक्चुएशन, लोअर एबडोमिनल पेन एसोसिएटेड विद दिस अल्सर। आई वॉन्ट टू नो अबाउट एनी हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ एपिटाइट, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेंस एट नाइट। देन आई वॉन्ट टू नो अबाउट एनी हिस्ट्री ऑफ कफ, एनी ब्लड इन स्प्यूटम, एनी हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन प्रीवियसली और नाउ, एनी एनी HPV और वॉट्स लाइक इन्फेक्शन इन द लोअर पार्ट और एंड एनी एक्सकोरिएशन और लाइक लाइक आई वॉन्ट टू रूल आउट लाइकेन स्क्लेरोसिस एंड लाइकेन प्लैनस। और हिस्ट्री हिस्ट्री पे आप नो कैसे रूल आउट करोगे? नहीं नहीं आई वॉन्ट टू नो एनी आई वॉन्ट टू नो अबाउट हजबेंड हिस्ट्री ऑफ एनी वॉट लाइक लीजन इन हजबेंड और एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस। देन आई वॉन्ट टू नो अबाउट इन ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पेरिटी ऑफ द पेशेंट, मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द चिल्ड्रंस, एनी एंटीनेटल, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, हाँ, एनी पास इसमें हिस्ट्री मेडिकल। हिस्ट्री में कुछ और आपकी चीज रह गई है क्या? आपकी हिस्ट्री कंप्लीट है? और एनी हिस्ट्री ऑफ एनी फंगल इन्फेक्शन फॉर विच शी टुक एनी ट्रीटमेंट। हाँ ठीक. पेशेंट हमें ये तो नहीं बताएगा कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है, उसको तो पता ही नहीं है फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसा होता है. हाँ वो अच्छा मैंने ठीक इचिंग है. का जैसे पूछ लिया बस। हाँ, एंड ओके देन आफ्टर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री वांट टू नो अबाउट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एनी डायबिटीज, और मेलाइटस, हिस्ट्री हाइपरटेंशन। हिस्ट्री में कुछ और आप नहीं पूछना चाहेंगे? नहीं ओके ठीक
ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी, ठीक है। और एंड इन पास मेडिकल हिस्ट्री आई वांट टू नो अबाउट डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन एंड एनी पास सर्जिकल हिस्ट्री एनी हिस्ट्री इन फैमिली ऑफ डायबिटीज हाइपरटेंशन टीबी और कैंसर इन द फैमिली ओके, एंड और व्हाट ट्रीटमेंट वांट टू नो दैट व्हाट ट्रीटमेंट शी हैज अप टिल टेकिंग नाउ ठीक है, और एनी हिस्ट्री ऑफ इचिंग एंड इचिंग इन द फैमिली इचिंग, इचिंग इन द फैमिली की हिस्ट्री, उसकी हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? मैम वो इचिंग की तो एज सच इम्पोर्टेंट नहीं, इचिंग तो हाँ एक एग्जिस्टेंस सिम्टम होता है, टीबी की इम्पोर्टेंस है वो तो किसी भी वो चीज से हो सकती है, टीबी से भी हो सकती है, स्केबीज किसी को भी रूल चीज आउट से हो करने सकती के लिए है। और बस अच्छा चलें, ठीक है, और आगे चलें। अच्छा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो मैंने वो ले ली हाँ सही ठीक पोस्ट मेनोपॉजल है वो तो वो ठीक है, वो जी पोस्ट जी मेनोपॉजल है उसका, जी और वो कोई इतनी रिलेटेड हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। जी और आगे अच्छा और चलिए। देन आई वांट टू प्रोसीड फॉर एग्जामिनेशन हाँ इन विच आई वांट टू लुक द जनरल लुक ऑफ द पेशेंट एंड जनरल लुक ऑफ द पेशेंट एंड वांट हर बीएमआई वेट ऑफ द पेशेंट हाइट ऑफ द पेशेंट टू कैलकुलेट द बीएमआई वांट टू नो द बीपी पल्स टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द पेशेंट एंड आई विल एग्जामिन द आईज फॉर पीलार थायरॉइड एग्जामिनी वांट टू एग्जामिन हर थायरॉइड एंड विल गो फॉर द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर एनी लंप विल ऑस्कल्टेट हर चेस्ट एंड फॉर एनी एडिड साउंड वॉन्ट टू डू द कार्डियोवेस्कुलर एग्जामिनेशन फॉर एनी फॉर एनी एडिड साउंड एंड विल गो फॉर अपर एबडोमिनल एग्जामिनेशन टू फॉर एनी इफ एंड ऑन पर एग्जामिनल एग्जामिनेशन आई विल डू द इंस्पेक्शन ऑन इंस्पेक्शन आई विल वॉन्ट टू लुक फॉर एनी बल्जिंग एनी स्कार मार्क एनी विजिबल लीजन और स्कार मार्क देन विल गो फॉर द सुपरफिशियल पल्पेशन एंड देन डीप पल्पेशन फॉर एनी मास इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं जेनिटल एरियाज की या कहाँ की, आपने उसको स्पेसिफाई नहीं अपर किया, एबडोमिनल पर एब्डोमिनल एबडोमिनल की, ठीक है, ओके। Then I will go for the examination of the vulva, in which I will on examine local examination. I want to look the site of the lesion, size of the lesion, color of the color and margins of the ulcer, and is it and any discharge. And it's ble it is it bleed to touch or not? And I want to और examine the groin. Want to examine the groin for any lymphadenopathy, lymph node enlargement. For any lymph node enlargement. ठीक है, Then I will then I will gently do her peri-speculum examination if patient allows. If the lesion is painful, then I will not do the peri-speculum examination. If patient allows, I will go for the peri-speculum examination, in which I will look for the walls of vagina and the cervix, its position, any bleeding discharge from the cervix, and will take the pap smear. Then I will go for the bimanual examination. Gently, will look for the size of the uterus. And size of the uterus, its mobility, tenderness, or will do the adenexal bilateral adenexa for any fullness. Then after that, I will look my fingers. I will look for my look my fingers for any bleeding, any discharge, and.
ओके अब बस इसमें पहले हम ऑडियंस से बात कर लेते हैं कि उनके हम्म, ख्याल में व्हाट शी हैज मिस्ड इन हिस्ट्री एग्जामिनेशन, और उसमें एग्जामिनेशन और हिस्ट्री पे क्या क्या चीजें मिस की, एंड देन वी विल कम बैक टू यू फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सेम। जी, हमारे जो और बाकी सब लोग सुन रहे हैं उन इन्होंने कोई हिस्ट्री में चीज मिस की या फिर एग्जामिनेशन पे कोई चीज मिस की? मैम बहुत अच्छे बेटा मैंने उन्हें पॉइंट बताए, लेकिन जो इचिंग मेरे बेटा लिए आपकी आवाज क्लियर ज्यादा नहीं आ रही। जी डॉक्टर यास्मीन, हेलो। मैडम, वेट लॉस और फीवर की हिस्ट्री लेंगे, जैसे केस हमारा ट्यूबरक्लोसिस का है और कांटेक्ट विद द देखो, टीबी पर। इसमें बेसिकली जब हम बात करते हैं ना कि हिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें पूछें, तो जब इन्होंने हमें सिनेरियो ही बताया कि 75 ईयर्स है और अल्सरेटेड लिगन है विद इचिंग फॉर लास्ट 3 मंथ्स, तो हमारे जहन में कुछ डायग्नोसिस बन जाता है इमिडिएटली, जी कुछ डायग्नोसिस बन जाता है कि इसमें ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिर हम उस डायग्नोसिस का जो हमारे जहन में बना हुआ होता है उसके हिसाब से हम हिस्ट्री पॉइंट पूछ सकते हैं। इट कैन बी एट्रॉफिक, इट कैन बी इन्फेक्टिव, इट कैन बी एलर्जिक, इट कैन बी वायरल, इट कैन बी मेलिग्नेंट, ये सब सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और इसलिए जो है हम इसमें ये वेट लॉस और ये सारी चीजें जो है वो पूछ। अब जाहिर है जब इन्फेक्शन की बात करते हैं तो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो उसमें फिर हमें ये चीज पूछनी होती है, फीवर की भी हिस्ट्री पूछनी होती है। और अब अगरचे जो हमारा अपना एक जो सिनेरियो बना हुआ है या हमारा जो आज का टॉपिक डिस्कशन है हमें पता है पहले से, इसलिए डेफिनेटली जहन में ये चीज आ सकती है कि क्या हम उसको ट्यूबरकुलस राइट फ्रॉम द बिगनिंग देखें या ना देखें। बट द पॉसिबिलिटी हैज टू बी केप्ट इन माइंड बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इज एंडेमिक इन आर कंट्री, तो उसको जहन में रखते हुए दो वल्वोविजाइनल ट्यूबरकुलोसिस इज द लीस्ट पॉसिबिलिटी इन अ पेशेंट हैविंग जेनिटल ट्रैक दिस ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन फिर भी हम उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। तो इसमें हिस्ट्री का पूछ लेना जो है वो जस्टिफाइड होता है कि इसमें कोई पता नहीं कि क्या चीज हो, और जाहिर है हिस्ट्री से आप डिग आउट करते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सम टाइम्स इट इज अ रिजल्ट ऑफ सम सिस्टेमिक कोमॉर्बिडिटी, जैसे कि जिसमें जैसे डायबिटिक अल्सर्स भी बन जाते हैं अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, डायबिटीज की भी हिस्ट्री आपको लेनी पड़ती है। इसी तरह से जो कॉइटल हिस्ट्री है वो भी आपको लेनी पड़ती है। दिस कैन बी ट्रॉमेटिक, तो इतना लंबा नहीं अर्सा नहीं रहता, लेकिन ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर है। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर में जो क्रॉनिक मॉर्बिडिटीज होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिनमें से ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ द रीजन, मेलिग्नेंसी इज अनदर रीजन। तो क्योंकि ये नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं टू एंटीबायोटिक्स या बाकी चीजें, तो इसमें ये सारा कुछ पूछ लेना जरूरी है। अब इसमें जो बाकी इसके कॉइटल फंक्शंस कैसे हैं, इज शी कॉइटली एक्टिव और नॉट, हस्बैंड अलाइव है नहीं अलाइव, वो सारी चीजें ये भी पूछ लेना इसमें जरूरी होता है। और ये बाज दफा हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन में भी इसकी को एग्जिस्टेंस हो सकती है, और लाइकन स्क्लेरोसिस लाइकन प्लेनस के साथ भी को इन्फेक्शन विद एचआईवी एंड विद हेपेटाइटिस सी वायरस भी इज नॉट वेरी अनकॉमन अगर ये हो तो। और उसके अलावा जो है वो जाहिर है कि लाइकन स्क्लेरोसिस लाइकन प्लेनस होगा तो ग्रेजुअली द कोइटल डिफिकल्टी पेशेंट को फेस करनी पड़ती है ड्यू टू कंस्ट्रिक्शंस ऑफ दैट जो एरिया है, उसमें ग्रेजुअली कॉन्ट्रेक्चर्स बन जाते हैं। तो ये सारा कुछ पूछना उसमें जरूरी था। अब जो इन्होंने जो इसमें इसके अलावा हिस्ट्री में कोई और चीज तो नहीं रह गई जो कि हमारी डिस्कस होने वाली हो? मैम, हिस्ट्री में जो है हम ट्यूबरक्लोसिस को तो माइंड में रख ले हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैलिग्नेंसी है, वल्वल मैलिग्नेंसी, और एसोसिएटेड होती है सीए सर्विक्स के साथ, एचपीवी के साथ, एसटीआईज के साथ, तो हमने वार्ड्स खास के, इसमें कुछ वार्ड्स के साथ है, लाइकन स्क्लेरोसिस के साथ, लाइकन प्लेनस के साथ, इन सारों की एसोसिएशन होती है विद तो द मैम मेलिग्नेंसी। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हाँ इसकी फर्स्ट मैरिज है या सेकेंड मैरिज है, हमारे पास तो हम सेक्सुअल पार्टनर्स कैसे पूछते हैं, कॉन्डम कभी नहीं यूज बेटा, बात सुनो किया मेरी, ये पेशेंट की है? हिस्ट्री है फॉर जस्ट फॉर 3 मंथ्स, तो डू यू थिंक 75 ईयर्स पे हम उसकी सेकंड मैरिज की हिस्ट्री पूछ सकते हैं? हम तो उसका हस्बैंड अलाइव है नहीं अलाइव वो पूछेंगे, पेरिटी डेफिनेटली पूछेंगे, लेकिन नो कुछ मैम, क्वेश्चन जो इट्स के जस्ट हाँ
हाँ सेकेंड मैरिज का, इस वजह से कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का हमारे माइंड को थोड़ा क्लियर होगा। नहीं, देखो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मतलब अब 75 ईयर्स की अगर वो खुद है तो हाउ ओल्ड मस्ट बी द हस्बैंड, डेफिनेटली ऑफ हर एज और अस लिटिल बिट ओल्डर देन हर, तो उसमें मल्टीपल यस सेक्स मैम, पार्टनर्स का पूछ लेना वो जरा थोड़ा सा मेरा नहीं ख्याल के बहुत क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्टिफाइड है। तो उसमें सिर्फ आप ये पूछ सकते हैं कि हस्बैंड अलाइव है नहीं अलाइव है या क्या है या कोइटल एक्टिविटी उसकी कैसी है। इस अब मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स का अगर 75 ईयर्स की खातून से पूछोगे तो दैट विल साउंड अ लिटिल बिट ऑड। नो तो मैम, इसके मैं हाँ जी ये नहीं कह रही कि उससे ये पूछेंगे, मतलब उससे हाँ इनडायरेक्टली हम जैसे पेशेंट से हमारे पास जो है हम ऐसे पूछते हैं कि ये हाँ आपकी और आपके शोहर की पहली शादी थी, बस इतना हाँ पूछ लेते हैं, नहीं इससे मतलब हम उसमें मैरिज। देखो मतलब एक यंग एज का पेशेंट या जो जैसे हमारे पास आते हैं रिप्रोडक्टिव एज के पेशेंट्स उसमें तो हम पूछ लेते हैं, लेकिन उसमें आप 75 ईयर्स वाली पेशेंट से क्या पूछोगे, कैसे पूछोगे कि आपकी पहली शादी है या दूसरी शादी है। ये मतलब मुझे थोड़ा ठीक है मैम, सा सुनने में जरा इतना थोड़ा सा इतना बहुत है वो नहीं लग रहा। तो मतलब ये कि पेशेंट बाज दफा खुद भी अगर फर्ज किया वो आप उसका हस्बैंड का लाइव है डेड है वो पूछोगे तो वो खुद भी आपको गाइड कर ही देगी कि हस्बैंड लाइव है या नहीं है। अलाइव है तो फिर आप पूछ सकते हो कि अच्छा ये आपकी फर्स्ट मैरिज थी या सेकंड मैरिज थी वो, लेकिन फिर भी स्टिल ये मेरी एक अपनी पर्सनल परसेप्शन है, इसको यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है उस तरह से कि दिस मे बी अ केस तो उसमें आप पूछ लो, लेकिन अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि ये एक राइट अवे एक क्वेश्चन उस तरह से बनता भी है। जी ठीक है मैम। ये और मैम इचिंग क्वेश्चन के ना अगर पैटर्न भी पेशेंट को पूछूंगी 50 ईयर्स की 45 ईयर्स की तो यस यू कैन आस्क, लेकिन अदरवाइज जो है वो क्योंकि उसको देखो डिस्चार्ज का मसला नहीं है उसको मेनली अल्सर विद इचिंग का मसला है, जी और मैम। अल्सर विद इचिंग जो है वो लोकल जो वल्वल जो होती हैं इसकी लिगेंड्स वो हैं उसमें आ जाता है। ठीक है तो जी उसमें मैम, ये वाला क्वेश्चन भी इतना बहुत डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है ना वो इतना वैलिड है नहीं। ठीक है तो ठीक है और तो मैम। हिस्ट्री में कोई पॉइंट नहीं रह गया इसमें जो हमारा डिस्कस करने वाला हो। मैम इचिंग मोर एट व्हाट टाइम, मतलब अगर नाइट में अगर होता है पैटर्न उसका जो है वो हाँ। सिर्फ, और एक्सकोरिएशन तो नहीं होती, मतलब वो उसको तो हम जो खुद देख लेंगे ना, वो तो हम खुद देख ही लेंगे, पेशेंट पेशेंट इज नॉट एबल टू डिस्क्राइब के जो है वो डिस्क्राइब कर सके कि उसमें एक्सकोरिएशन है या नहीं है। अब अल्सर है उसके साथ एक्सकोरिएशन को वो कैसे डिस्क्राइब, वो कहेगी जख्म बना हुआ है बस दैट मे मैडम बी लीजन कहीं अल्सर, और तो नहीं है, लीजन कहीं और और तो हाँ नहीं और कहीं नहीं है या नहीं है। देखो क्योंकि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनमें ये मल्टीपल साइट्स पे होते हैं, ठीक है तो उस सूरत में जो है वो फिर हमें एक थोड़ा सा वो बन जाएगा एक हमें डायग्नोस्टिक क्लू मिल जाएगा। तो लेकिन ये है कि पेशेंट एक्सकोरिएशन का तो शायद ना बता सके, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली हमने इस इसको देखना है, इसको मैम। फिर हमें उस वक्त देखना और होगा। कोई बॉडी में जो है कोई ऐसी डिजीज जिससे कि उसकी इम्यूनिटी कम हो रही हो, मोनोपाजल एज ग्रुप वैसे ही इम्यूनिटी कम वाली एज है, लेकिन उसके अलावा भी हम पूछेंगे, और कोई हाँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो नहीं और ले रहे। ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग हिस्ट्री जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनो जो इम्यूनो सप्रेशन है वो यूजुअली लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शंस में होता है, वायरल इन्फेक्शंस में होता है, पेशेंट स्टीरॉयड ले रहा हो तो वो उसमें होता है, या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी हो जैसे इम्यूनो सप्रेसिव जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे जस्ट लाइक HIV या जस्ट लाइक फ्यू वायरल इन्फेक्शंस तो उसमें भी इम्यूनो सप्रेशन हो जाती है, लेकिन HIV तो लॉन्ग स्टैंडिंग है, लेकिन बाकी जो वायरल इन्फेक्शन है यूजुअली दीज आर सेल्फ लिमिटिंग, तो उसमें जो है वो वाली हिस्ट्री पूछ लेने में वो पूछनी होती है कि कोई फीवर है या फीवर के बाद ये हुआ और फीवर कितने दिन रहा या कब था, ये सारी चीजें हैं जो हमने उससे पूछ लेनी होती है। ठीक है मैडम पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स पूछेंगे ना, पोस्ट मेनोपॉजल अब इसमें सिम्टम्स। डेफिनेटली हमने जब अल्सर की बात आती है तो इसमें को एग्जिस्टेंट सर्वाइकल पैथोलॉजी हो सकती है, को एग्जिस्टेंट एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी बिल्कुल हो सकती है, तो उस सूरत में हम पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग की हिस्ट्री जरूर पूछेंगे और इसमें डिस्चार्ज विजाइनल डिस्चार्ज की या लोकल डिस्चार्ज जो है वो भी हिस्ट्री जरूर पूछेंगे, यूरिनरी बावल की तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, सो होल जेनिटल एरिया विल बी एवेलुएटेड बाय द स्पेसिफाइड सिम्टम्स। ठीक है ये हमारा ये इसमें पूछना डेफिनेटली बनता ही है बिकॉज स्टिल वी डोंट नो
कि इसमें एक्चुअली रीजन क्या है, अनलेस कि हम उसको देख लेंगे किस किस्म का अल्सर है, और फिर उसके बाद उसको कंफर्म कर लें बाय सर्टन टेस्ट। ठीक है, मैम अगर अल्सर की चले बायोप्सी, अल्सर की बायोप्सी हुई है या जी नहीं हुई है मैम? अगर जी एलर्जी को रूल अल्सर आउट की करना चाहिए। बायोप्सी, अब वो तो बात की बात है ना, अभी वो तो, अब जाहिर है पेशेंट से हम ये पूछेंगे ट्रीटमेंट कोई हुई या ना हुई, टेस्ट कोई हुए या ना हुए, ये तो हमने हर मरीज से पूछना होता है, ताकि अगर उसके पास उसका जो भी टेस्ट हुए हुए हैं, वो अगर मरीज फर्ज किया दाखिल है आपके पास एग्जाम में आई है, या सिनेरियो ऐसा है कि ये पेशेंट एडमिट हुई है इतने दिनों से, तो फिर हम पेशेंट से, पेशेंट की हिस्ट्री में ये पूछेंगे कि आप इतने दिनों से दाखिल हो तो आपका यहाँ पे क्या क्या टेस्ट हुए हैं, या प्रायर टू एडमिशन, जैसे कुछ अगर कॉम्प्लाइंट या कोई एजुकेटेड पेशेंट है तो वो आपको बताएगा कि आई हैव बीन टू दिस डॉक्टर एंड दिस हैज बीन डन एज पर टेस्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, और ये उनके रिजल्ट्स थे, ये डॉक्टर ने बताया या ये डायग्नोसिस हुआ। बट इन एन एडमिटेड पेशेंट्स हु हैज बीन एडमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी आपको ये गाइड दे देता है कि उसके आफ्टर एडमिशन ये टेस्ट हुए, एंड वॉट इज द प्लान ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्या प्लान कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट के हिसाब से, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको पेशेंट बता देता है यूजुअली। और इवन पेशेंट कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओपीडी, इफ दिस इज द पेशेंट होम यू सी इन योर ओपीडी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पेशेंट आपको बता देगा कि ये इतने 1 महीना पहले इसका टेस्ट हुआ, या उसकी रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दैट, उसमें उसका एनालिसिस हो जाएगा, और जो चीज़ें फिर मिसिंग है फिर आप वो करवा रहे होते हो, फिर आप उन चीज़ों को रिपीट नहीं करते जो जो रिसेंट टेस्टिंग हुई हुई होती है उसकी। तो इसमें अब हम आते हैं एग्जामिनेशन की तरफ, एग्जामिनेशन पे और क्या चीज़ें देखनी चाहिए, एंड व्हाट शुड बी डन एट द टाइम ऑफ What एग्जामिनेशन। should be the ये जो इन्होंने हमें जो टेस्ट जो सॉरी ये जो हमें बताया एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स जो हैं, लोकल एग्जामिनेशन एज वेल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, तो जी मैडम। इसमें क्या चीज मिस हुई है, मैम सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और उसके अलावा जो है फॉर इनलार्जमेंट और उसके सर्वाइकल अलावा लिम्फ जो नोड तो उसका नहीं, वो जाहिर है आप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स ही देखते हो, सर्वाइकल तो नहीं आप देखते। हाँ मैम अगर हम टीबी रखते हैं माइंड में तो नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि टीबी मैं एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, अभी हम इमेजिंग स्टडीज की बात नहीं कर रहे। हाउ यू विल फील फॉर द अच्छा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, यू कैन फील इनग्वाइनल लिम्फ नोड, सॉरी हाँ ठीक है, सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड्स, जी मैम ठीक है वो वही सर्वाइकल, ठीक है वो वाली आप कर सकते हो, जो कि असेसिबल, जिसको हम कहते हैं असेसिबल लिम्फ नोड्स, एक्सेसिबल लिम्फ पैल्पेबल नोड। डीप आप नहीं करते, आप सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स को आप पेल्पेट कर रहे होती हो, ठीक है, लेकिन इसमें इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स विल बी मोर इम्पॉर्टेंट, और जी मैम पेशेंट को अगर कोई वो पहले पल्मरी सिम्टम्स नहीं कभी रहे, या उसको आपको लगता है कि ये पल्मरी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जनरलाइज को इन्फेक्शन हो, तो उसमें सर्वाइकल भी लिम्फ नोड पेल्पेट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यूजुअली दीज आर पॉजिटिव इन केसेस ऑफ पल्मरी ट्यूबरक्लोसिस, तो वो आपने, इन्होंने खैर सारी हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर तो पूछ लिया है, और बाकी सारे पल्मरी सिम्टम्स भी इसके पूछ लिए हैं, बिकॉज समटाइम्स इट कैन बी प्राइमरी, समटाइम्स इट कैन बी सेकेंडरी टू द पल्मरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर हम उसकी तरफ जाएं मैम उसके तो अलावा ठीक है। जो है हाँ एट्रोफिक चेंजेस सेनाइल जी चेंजेस जो उसने देखे हाँ एट्रोफिक चेंजेस लोकल एट्रोफिक हाँ ये बताना बड़ा जरूरी है, और दूसरी चीज ये कि स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना इज अ मस्ट, इसमें बहुत जरूरी है करना, मे बी इट इज नॉट एन आइसोलेटेड वल्वल लीजन, मे बी इट इज एसोसिएटेड विद सम सर्वाइकल एंड द वेजाइनल लीजन्स एज वेल, तो वो चीजें, और फिर उस वक्त सर्वाइकल स्मेयर का लेना, ये सब चीजें हैं जो उस इस केस में बहुत जरूरी हैं, और बाय मैनुअल तो आपने करना ही है वो सारा कुछ देखने के लिए, तो ये है जो कि आपने इसमें देखना होगा। तो इसमें अब हम हाउ वी विल प्रोसीड ऑन, क्या नाम मुझे उनका भूल गया, इतना मुश्किल सा था, करीहा करीहा करीहा, हाँ करीहा जी जी करीहा, मैम अब बताइए अब हमें। अच्छा दूसरी चीज जो है ना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है एग्जामिनेशन में, कि इसमें अल्सर की टाइप को, की करेक्टरिस्टिक फीचर को डेमोन्स्ट्रेट करना, बिकॉज एवरी अल्सर टाइप हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो इसमें इसकी एग्जैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है अल्सर की वो बताना बड़ा जरूरी है, सिंगल है मल्टीपल है, यूजुअली ये मल्टीपल ही होते हैं अगर कोई इन्फेक्टिव टाइप हो तो।
लाइकेंट स्क्लेरोसिस या प्लेनस में अमूमन किस अल्सर्स होते हैं दोनों साइड्स पे, और इसमें पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन दें, उसकी शेप कैसी है, उसकी साइट एग्जैक्ट कौन सी है, और उसके मार्जिन कैसे हैं, उसका बेस कैसा है, इज इट कवर्ड बाय द ब्लड और विद द सम एक्सुडेट या कोई पस वगैरह या उस तरह का कोई मटेरियल है, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन देना इसमें बड़ा जरूरी है। ठीक है जी करीहा, अब बताइए अब हम इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे फॉर द फर्दर कंफर्मेशन, और बल्कि उससे पहले आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस इसमें क्या है, तो क्योंकि सो अगर फार पेशेंट मुझे सपोज अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि सो फार ऑन हिस्ट्री देर इज नथिंग पॉजिटिव एक्सेप्ट दैट शी हैज रिपोर्टेड सम अ लिटिल बिट लॉस ऑफ वेट, और थोड़ा सा लॉस ऑफ एपिटाइट की भी बात है, लेकिन फीवर उसको की वो हिस्ट्री डिनाई करती है, एंड डेफिनेटली शी हैज डिस्पेरोनिया डिफिकल्टी इन क्वार्टर्स एंड बिकॉज हर हस्बैंड इज अलाइव, और बाकी इसमें शी रिफ्यूजेज एनी अदर हिस्ट्री ऑफ एनी अदर कोमॉर्बिडिटी, नो टेस्टिंग हैज बीन डन सो फार, किसी डॉक्टर के पास वो नहीं गई, बट एज शी हैज बीन यूजिंग सम ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर द इचिंग एंड फॉर द अल्सर, कंसिडरिंग इट टू बी सम जो है वो कोई इन्फेक्टिव टाइप, और उसने अपनी खुद से रेमेडीज की बट स्टिल नो रिलीफ, और अब हमारे पास फर्स्ट टाइम आई है और इसमें कोई एसटीडी की हिस्ट्री नहीं है, कोई इसको नाइट स्वेट्स फीवर कफ नथिंग लाइक दैट, और इंस्पेक्शन पे उसका बीएमआई समझ लें कि इस अबाउट 22, और बाकी ऑन लोकल एग्जामिनेशन देर इज एन अल्सर ऑफ तकरीबन 3 सेंटीमीटर, 3 x 2 सेंटीमीटर, देर आर 2-3 अल्सर्स विद इंड्यूरेटेड लेटरल मार्जन जो अंडरमाइन है, एंड द बेस इज कवर्ड विद अ लिटिल बिट एक्सुडेट, पसी डिस्चार्ज की तरह से उसका है, और नॉट ब्लीड टू टच, रादर इट लुक्स लाइक इन सम इन्फेक्टिव टाइप। स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे सर्विक्स इज स्लाइटली कंजेस्टेड बट देयर इज नो अदरवाइज नो डिस्चार्ज एंड नथिंग, नो ब्लीड टू टच एंड नो वजाइनल डिस्चार्ज, एंड यूट्रस इज एट्रोफिक। तो इसमें आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बना बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, और उसमें उसको फिर आप कंफर्म कैसे करोगे? जी मैम, मैम देखें इस एज ग्रुप में तो सबसे पहले अगर हमें नहीं पता हो कि टीबी है तो हमें सीए वल्वा ही सबसे पहले दिमाग में आता है ठीक कि है, इट कुड बी अ केस ऑफ सीए वल्वा। तो द कॉमन डायग्नोसिस विल बी फर्स्ट इन जी योर माइंड, ठीक है, जो कॉमन डायग्नोसिस जी होता जी है। तो कॉमन डायग्नोसिस सीए वल्वा और ठीक टीबी वल्वा, देन थर्ड वन इज माई डीडी इज फंगल, एनी फंगल एक्सकोरिएटिंग फंगल इन्फेक्शन, और और एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और देखो इसमें आपके पास बेसिकली, चूंकि अब मैंने बाकी सारी चीजें इसमें से माइनस कर दी, सो वी आर डिस्कसिंग द वल्वल अल्सर ओनली एट दिस टाइम। अब इसमें बेसिकली जो अल्सर का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर फर्ज किया कि पेशेंट आती विजाइनल डिस्चार्ज के साथ, इसमें कोई वल्वल लीजन ना होती, सिर्फ विजाइनल डिस्चार्ज होता, इसी एज की पेशेंट, इसी तरह पोस्ट मेनोपॉजल, और इसकी सर्वाइकल लीजन होती, तो फिर सर्वाइकल लीजन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता। तो इसमें वल्वल लीजन का डायग्नोसिस होगा, कीपिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेलिग्नेंसी ऑफ कोर्स, लाइकन स्क्लेरोसिस, लाइकन प्लेनस, ये भी सारी चीजें, उनमें भी किसिंग अल्सर्स बन जाते हैं और मेलिग्नेंसी में भी डेफिनेटली बन जाते हैं, और इसके जी अलावा इसमें व्हाट अदर टाइप्स ऑफ अल्सर शी कैन हैव, वल्बल अल्सर्स की और क्या डिफरेंशियल में क्या क्या आता है जनरली स्पीकिंग, क्या है पेगेट्स पेगेट्स डिजीज ऑफ वल्वा, मसलन? पेगेट्स डिजीज ऑफ एक वल्वा ठीक है, होती और अब है, इसमें से और हर एक की करेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता होनी चाहिए, ठीक जी है, करेक्टरिस्टिक फीचर, और मैम सिफिलिस हो सकती एट्रोफा सिफिलिस, हो सकता है, ठीक है, शेंक्रॉइड हो सकता है, लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरियम हो सकता है, और ट्यूबरकुलस अल्सर हो सकता है। बाकी हमने मेलिग्नेंसी की तो पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू हर एज और अकॉर्डिंग टू हर सिम्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू हर अल्सर
जो अपेयरेंस है उसके हिसाब से हमने मेलिग्नेंसी को ऊपर रखा। हाउ यू विल कंफर्म योर डायग्नोसिस, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराओगे? आई वॉन्ट सम इन्वेस्टिगेशंस टू कंफर्म माई डायग्नोसिस इन विच आई वॉन्ट बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीबीसी ब्लड ग्रुप रेंडम ब्लड शुगर हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन NTHCV यूरिन DR आई वॉन्ट चेस्ट एक्सरे मॉन्टॉक्स टेस्ट स्प्यूटम अच्छा इफ स्प्यूटम फॉर AFP हाँ एंड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी हाँ एंड देन आई वॉन्ट एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड एंड हाँ बायोप्सी ऑफ द अल्सर बायोप्सी ऑफ द अल्सर। विच वन इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव इन दिस केस? क्या बाकी सब इसमें एग्री करते हैं या किसी का भी पॉइंट इससे डिफरेंट है? इसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन जो आप ऐड करना चाहो, या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आपके ख्याल में मैम गैर जीन जरूरी है इस एक्सपर्ट केस में? टीबी का जीन जी एक्सपर्ट या पीसीआर जीन एक्सपर्ट या पीसीआर जो टीबी का होता है ठीक है, जीन मैम एक्सपर्ट। मैम रेंडम इस अल्सर का ब्लड जो एक्सुड रेट है ना शुगर उसको भी लेवल हम ऑफ कल्चर पेशेंट एंड सेंसिटिविटी के लिए भिजवाएंगे जी, अल्सर कल्चर एंड ब्लड शुगर सेंसिटिव, लेवल कल्चर एंड अल्सर सेंसिटिविटी आपने बोला है, ऑफ द रेंडम अल्सर ब्लड एंड शुगर। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द अल्सर ओके, वही बायोप्सी पे हिस्टोपैथोलॉजी होगी ना। सो दीज आर द टेस्ट जो कि इन्होंने कहा कि ऐड करेंगे। और पेप्सिमियर अगर पहले कभी नहीं हुई तो पैप स्मेयर तो हमने कहा था ना, जब स्मेयर किया तो उसी वो स्पेकुलम किया तो हमने पैप स्मेयर उसी वक्त ले लेना। ठीक है, ठीक है मैम अब और सपोज रेंडम इसके, अब इसमें लेवल जो मोंटो टेस्ट की जो है इसमें यूटिलिटी वो क्या है? डू यू थिंक इट विल बी वैलिड? अगर हम बायोप्सी ले रहे हैं तो बायोप्सी के साथ मोंटो टेस्ट की कोई जरूरत है, या स्पूटम जबकि पेशेंट को कोई पल्मरी सिम्टम्स नहीं है? तो व्हाट विल बी द मैम इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ नॉट डूइंग स्पूटम? रिलायबल मैम इट्स हाँ, नॉट रिलायबल इट्स नो, नॉट दैट मच रिलायबल कौन सा, स्पूटम का या मोंटो टेस्ट का? मॉन्टॉक्स टेस्ट मैम ओके, व्हाई इट इज नॉट रिलायबल? बिकॉज हम तो बीसीजी सारी वैक्सीन उम्र से ये वैक्सीनेट करते किए हैं। और उसके अलावा हाँ मैडम ये पेशेंट की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है और उसके ठीक अलावा है, लेकिन बीसीजी मोंटो टेस्ट क्यों रिलायबल नहीं है इस केस में? फॉल्स पॉजिटिव आती है ना मैम हो सकता क्यों है एसिम्टोमेटिक फॉल्स एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव किस केस में आएगा? बीसीजी वैक्सीनेशन वाली। बिकॉज बिकॉज ऑलमोस्ट सारी हमारी जो बच्चे हैं, या जो इवन जो अब की जो जनरेशन चल रही है, दे ऑल आर बीसीजी वैक्सीनेटेड। और बीसीजी वैक्सीनेशन जिनमें होती है उनमें फॉल्स पॉजिटिव 20% में आ जाता है। इसीलिए वो वाली कंट्रीज या वो वाले एरियाज जहां पे ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक है और जहां पे बीसीजी वैक्सीनेशन इज आर रूटीन, उस वैक्सीनेशन शेड्यूल का वहां पे मोंटो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है। मोर ओवर इसमें जो आवाज आ रही है सबको मेरी, हेलो, जी जी हाँ जी, जी तो मैडम इसके अलावा ये है कि ये फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है कुछ केसेस में। इवन जो फुल ब्लॉन ट्यूबरक्लोसिस है उसमें ये मोंटो टेस्ट फॉल्स नेगेटिव भी इम्यूनिटी हो कम सकता है होने ना। की वजह से इम्यूनिटी कम हाँ होने जी, उसकी वजह से। और इसके अलावा पेशेंट स्टीरॉयड ले रहा हो, एचआईवी के साथ हो, या बहुत ज्यादा उसकी मतलब एक्टिव स्टेज हो ट्यूबरक्लोसिस की, तो उसमें भी अमाउंट ऑफ टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा इम्यूनिटी कम होने की वजह से। तो उसमें यानी वो रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा जो स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमने करना होता है उस पर, वो नेगेटिव आ जाता है। सो दीज आर द एरर्स इन अमाउंट ऑफ टेस्ट। रादर इफ वी वॉन्ट टू स्क्रीन द पेशेंट, जैसे जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस में कुछ केसेस में ये डायग्नोसिस बनाना वाकई मुश्किल होता है। और इसमें जो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है वो व्हाट अदर ऑल्टरनेटिव वी यूज, हम और कौन सा जो है वो टेस्ट करते हैं फॉर स्क्रीनिंग? सपोज हमें लग रहा है, शुबा है किसी पेशेंट का, या उसका हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है, या हमें लग रहा है कि ये पेशेंट गैस ऐसे हो सकता है, क्योंकि जो नीव अल्सर्स टेस्ट हैं या
जो वैसे जो जो एक्स्ट्रा पल्मरी टुबरक्लोसिस है उसमें बाज दफा हम एएफ भी इतना कर नहीं सकते, यानी उसमें डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते कि उनमें इतने बहुत ज्यादा होते नहीं हैं एक्स्ट्रा पल्मरी टुबरक्लोसिस में, तो बाज दफा वो भी चीज नेगेटिव आ जाती है। बट व्हाट टेस्ट वी कैन डू एज अ स्क्रीनिंग इन दीज पेशेंट्स? मैम हीव टेस्ट होता है, हीव कौन सा, टेस्ट। सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात की, हीव टेस्ट उसमें हम क्या करते हैं? उसमें नीडल प्रिक्स करते हैं, जैसे मोनटॉक्स में तो हम ये तो हाइपर सेंसिटिविटी होता है ना, उसके अंदर सिक्स नीडल प्रिक करते हैं, वो भी स्क्रीनिंग के लिए यूज होता था पहले। अच्छा, ओप्स शायद। लेकिन अब और हम इस क्या करते हैं? चेस्ट एक्सरे। अच्छा नहीं, अब वो स्क्रीनिंग तो नहीं ना करते, स्क्रीनिंग में चेस्ट एक्सरे तो नहीं होता, वो तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा तो चेस्ट एक्सरे होगा, तो उस वक्त हम करवाते हैं उसको देखने के लिए। तो बेसिकली जो स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं वो है क्वांटी फैक्टर, क्वांटीफिरॉन। क्वांटीफिरॉन है जो कि टीबी गोल्ड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्वांटीफिरॉन, ठीक है। ये इंटरफेरॉन गैमा रिलीज ऐसे होता है, इंटरफेरॉन गैमा रिलीज ऐसे, इंटरफेरॉन वो गैमा वो चीज है, ये वो केमिकल्स हैं जो बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो उसमें एंडोमेट्रियम रिलीज कर रहा होता है, या वैसे भी सीरोलॉजी में भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यही वो फैक्टर है जो बाज दफा इनफर्टिलिटी को भी कॉज कर रहा होता है। सो दिस इज टीबी गोल्ड टेस्ट जो कि ब्लड के ऊपर किया जाता है, तो ये इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है स्क्रीनिंग के लिए, और खास तौर पे ये हम उन कंट्रीज के लिए, क्योंकि इसमें ये फिर फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव वाली चीज निकल जाती है, ये बीसीजी वैक्सीनेशन से इफेक्ट नहीं होता, ये एचआईवी से इनफेक्ट, यानी इम्यूनो सप्रेसिव अगर कोई कंडीशन है तो उसमें वो इफेक्ट नहीं होता, तो ये हम स्क्रीनिंग के लिए ब्लड के ऊपर ये कर सकते हैं। और ये लेटेंट डायबिटीज भी जिसमें कोई सिम्टम्स भी नहीं होते और हमें डायग्नोसिस बनाना मुश्किल होता है, लेकिन पेशेंट हमें लगता है कि हाई रिस्क है बिकॉज देयर इज हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, या कोई प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी ट्रीटमेंट की, या उसने कोई ड्रग्स ट्रीटमेंट ली हुई है, या एचआईवी का पेशेंट है जिसमें हम सोच सकते हैं को इन्फेक्शन विद द ट्यूबरक्लोसिस, तो वहां पे फिर टीबी गोल्ड टेस्ट को हम करते हैं क्वांटीफिरॉन के नाम से जो आता है, और ये हमारी सारी ही उसमें अवेलेबल है, हमारी लैब्स ये सब करती हैं। और इसके अलावा ये इसमें कुछ रिफेम्पिसिन की सेंसिटिविटी भी पता चल जाती है इस टेस्ट के करने से, तो इसमें हम मोंटो टेस्ट नहीं करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम टीबी गोल्ड टेस्ट करवाएंगे, स्पोटम विल बी आउट। अल्ट्रासाउंड पे यस वी कैन हैव इट। अब बायोप्सी हम लेंगे इसकी, जो बायो अब बायोप्सी जो हमने ली है उसके ऊपर हम क्या क्या टेस्ट करवाते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी तो हम करवाते हैं टू सी द ग्रेनुलोमास, बट ग्रेनुलोमास कैन बी इन अदर कंडीशन एज वेल, और कौन सी कंडीशन है जिसमें ये ग्रेनुलोमास बने होते हैं विच आर सो करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एज वेल? मैम सारकोइडोसिस। सार्कोइडोसिस, ठीक है, और इसके अलावा इवन कुछ एलर्जिक रिएक्शंस में भी बन जाते हैं, तो मैम हिस्टोपैथोलॉजी में इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो डिजीज क्या डिफरेंशियल कॉजेज होगा डायग्नोसिस है ना ना? वो सार्कोइडोसिस का ही है, लेकिन जी इसको हम मजीद कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, हम जीन एक्सपर्ट टेस्ट करते हैं, ये भी बायोप्सी के ऊपर ही होता है, या कोई अगर एस्पिरेट वगैरह हो तो वो हम उसपे ऊपर कर सकते हैं, या कोई सिक्रीशन जाए तो उसके ऊपर कर सकते हैं, इवन एंडोमेट्रियल बायोप्सी के ऊपर भी करते हैं, एंड दिस इज डायग्नोस्टिक, ठीक है ना, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज फर्क होती हैं। तो ये जो है ये डायग्नोस्टिक हो जाता है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट, तो इसमें बेसिक मैम हम इसे इस तरह बोलेंगे कि आई विल सेंड द बायोप्सी फॉर जीन एक्सपर्ट एंड हिस्टोपैथोलॉजी। एंड हिस्टोपैथोलॉजी, और इसके अलावा जो मैं बात कर रही हूँ ना कि क्या क्या हम कर सकते हैं टेस्ट उसके ऊपर बायोप्सी के ऊपर, एक तो है कि आप ए एफ बी को उसमें भी स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि ए एफ बी की मिकदार बहुत कम होती है एक्स्ट्रा जो पल्मरी ट्यूबरक्लोसिस है उसमें, पर हो सकता है वो आपको ना मिले इतने, लेकिन आप उसके लिए ए एफ बी के लिए स्टेनिंग कर सकते हैं जो जीन नर्सन स्टेनिंग है,
इसके अलावा आपने इसको कल्चर करना है, और कल्चर पे आप इसको ग्रो करते हो जो कि लोवेनस्टीन जेंसेन मीडिया होता है हमेशा से। इसके अलावा जो आपने करना है पीसीआर, लेकिन पीसीआर नॉन स्पेसिफिक है इस केस में, क्योंकि इसमें ये लाइव डेथ में पता नहीं ये इतना बताता। फिर है जीन एक्सपर्ट टेस्ट जो हमने इस पे किया, और पांचवा है उसका हिस्टोपैथोलॉजी का टेस्ट जो कि हिस्टोपैथोलॉजी पे हमें पता चल जाएगा कि ये, अब ये सारी चीजें इन कॉम्बिनेशन विल कंफर्म योर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलस अल्सर। अब सपोज इस पेशेंट की बायोप्सी पे ये कंफर्म हो गया कि ये ट्यूबरकुलस ही है, क्योंकि ये जो है पेशेंट की बाकी ट्रीटमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट परसिस्टेंट और जो इसका नॉन हीलिंग अल्सर है ये उसके लिए आई है, तो अब हाउ यू विल ट्रीट हर कि अब तक तो कंफर्म हो गया ये सारी चीजों के साथ। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आई विल काउंसिल माई पेशेंट अबाउट द नेचर ऑफ द डिजीज, फर्दर मैनेजमेंट, फॉलो अप एंड नीड ऑफ फॉलो अप, एंड अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। फॉर दिस आई विल इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, इन विच आई विल इन्वॉल्व द फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, ठीक है। एंड देन आई विल प्रिस्क्राइब द एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट टू माई पेशेंट फॉर 6 मंथ्स, इन विच आई विल फॉर दिस आई विल प्रिस्क्राइब मायरिन पी टैबलेट्स, 4 टैबलेट्स स्टैट व्हाट इज इन द मायरिन पी? मायरिन पी, वी हैव राइफेम्पिसिन, इथम्बिटॉल, पाइरेजिनामाइड एंड आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड, ठीक है। ये जी, 4 टेबलेट ऑल 4 से, ये ड्रग्स 4 ड्रग रिजीम होगी आपकी फॉर 3 मंथ्स एंड एंड देन वी विल कंटिन्यू राइफेम्पिसिन एंड आइसोनियाज़िड फॉर फर्दर 3 मंथ्स एज अ मेंटेनेंस थेरेपी। बेसिकली आप जब कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं तो उसमें, क्योंकि हमारा जो एक बहुत बड़ा डायलेमा है ऑफ दिस इन्फेक्शन इन आर कंट्री इज द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, तो इसी वजह से अब जो स्ट्रेटजी है वो ये होती है कि हम ड्रग सेंसिटिविटी भी चेक कर लेते हैं, एंड द मोर ड्रग रेजिस्टेंस इज टू इधर आइसोनियाज़िड या फिर रिफैम्पिसिन के साथ भी, बिकॉज इफ द इट इज सेंसिटिव, रिफैम्पिसिन और आइसोनियाज़िड सेंसिटिविटी है, मेंटेन है, द थिंग्स बिकम सिंपल, बिकॉज देन वी कैन स्टार्ट विद द मायरिन पी इनिशियली फॉर 3 मंथ्स एंड देन फॉर जो है उसमें पायराज़िनामाइड को निकाल के बाकी चीजें फिर आप देती हो फॉर अनदर 6 मंथ। तो टोटल ये तकरीबन 9 मंथ्स की थेरेपी बन जाती है जो कि एक एक्चुअली जो ज्यादा ट्रेडिशनली यूज होने वाली चीजें हैं, बट द न्यू थिंग्स आर कमिंग इन बिकॉज ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसकी वजह मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की ये है कि लोग कुछ अर्सा खाते हैं उसको छोड़ देते हैं, ये रेजिस्टेंट डेवलप होने की बहुत बड़ी वजह होती है। यही वजह है कि उसको वो जो डॉट्स वाला सिस्टम है वो फिर जी एप्लीकेशन ऐसे केसेस में होता है कि मरीज को अपने सामने दवाई खिलाओ। सो इफ इट इज ड्रग रेजिस्टेंट तो मसला वहां पे फिर आता है, बिकॉज देन द रिजीम हैज टू बी चेंज्ड एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर द ट्रीटमेंट हैज टू बी चेंज्ड, हैज बेसिकली टू बी प्रोलॉन्ग्ड। तो ये तकरीबन जो है वो तक बार दफा ये 20 महीने तक भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, 18 to 20 months, इतनी लंबी थेरेपी चलानी पड़ती है। एंड देर आर डिफरेंट ड्रग्स इन द डिफरेंट रिजीम्स। अब जो यूजुअल जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रिजीम में आ जाता है उसमें ये वाली चीजें फिर तकरीबन आउट हो जाती हैं जो मायरिन पी वाली हैं, इसमें फिर उसमें लिवोफ्लॉक्सासिन है, साइक्लोसरीन है, क्लोबेजिफेम है, फिर उसके बाद ये लाइनजोलिड है, ये सारी चीजें, और इनको हम रेस्क्यू ड्रग्स कहते हैं। रेस्क्यू ड्रग्स वो होती हैं जो कि एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज होती हैं, तो उसमें उसकी फिर ट्रीटमेंट अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फिजिशियन ये की जाती है। बट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, अब ये सेंसिटिविटी है या नहीं है, ये सारा कुछ इसको डिटरमिन करने के बाद द थेरेपी टाइप एंड द थेरेपी ड्यूरेशन विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिशियन, और अगर फर्ज किया फिजिशियन अवेलेबल नहीं है आप किसी ऐसे सेटअप में हो तो सिंपली यू कैन स्टार्ट विद द मायरिन पी, और उसके बाद क्योंकि बास केसेस में हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन भी देनी पड़ती है इन द इनिशियल फेज ऑफ 3 मंथ्स, वो डिपेंड करता है फिर उसकी कोमॉर्बिडिटी पे भी और केस सिलेक्शन पे भी, तो ये भी बार दफा एक इनिशियल फेज का, एक्यूट फेज का एक हिस्सा बन जाता है।
तो ग्रेजुअली द अल्सर इज हील्ड, तो उसमें जो है वो इसका हल यही होता है। तो अब सपोज, अब ये तो था बल्बल अल्सर के बारे में। अब जो इसमें जो बाकी हम जो जेनिटल ट्रैक ट्यूबरक्लोसिस में, क्योंकि ये अब एक इमर्जिंग इन्फेक्शन है अमंग द अदर इमर्जिंग इन्फेक्शन, जिनके लिए अब नई नई एंटीबायोटिक भी निकलती आ रही है। तो उसमें जो ज्यादातर जो हमारे पास हो सकता है, आपके पास कोई ऐसा केस सिनेरियो हो जो कि पेशेंट इनफर्टाइल भी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, तो यूजुअली यू गो फॉर अदर सिंपल रीजंस। अमूमन हम ट्यूबरक्लोसिस का बहुत कम सोचते हैं, लेकिन जहां पे पेशेंट किसी ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रहा हो, और अब इसमें या फिर पेशेंट की हिस्ट्री और एक्सपोजर की, वहां पे जरूर उसको स्क्रीन कर लें, बिकॉज दिस डिजीज इज एंडेमिक। टीबी गोल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है, ये स्क्रीन भी करता है और उसमें लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में ये एक हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अच्छा मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना हाँ जी, एक मिनट। ये जो लेटेंट डायबिटीज की बात कर रही हूँ, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जो है ये वो होती है जिसमें ये बैक्टीरिया आपके अंदर है, लेकिन उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कोई नहीं है। तो सवाल ये बाज दफा उठता है कि क्या हम उसको ट्रीट करें या ना करें। ट्रीट हम उस सूरत में करें, बाज दफा ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको खुद ही टैकल कर लेता है, लेकिन इसको ट्रीट उस वक्त करें जब कोई इम्यूनो सप्रेशन वाली चीज चल रही है ऑलरेडी, जैसे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एक्सपोजर की, या पेशेंट मेल नरिश्ड है, या पेशेंट की लिविंग कंडीशंस ऐसी हैं, और द पेशेंट इज एचआईवी पॉजिटिव, और द पेशेंट इज ऑन स्टीरॉयड फॉर सम अदर रीजन, या उसकी जनरल हेल्थ अदरवाइज पुअर हैंड, देयर आर चांसेस के ये एग्जैजरबेट करके एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में ना चला जाए, दो द टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है बाद दफा, तो उस सूरत में इसको भी ट्रीट कर लेना जरूरी होता है। और उसमें जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वो जाहिर है वो जरा सिंपल होती है, बाद दफा खाली आइसोनाइजेड भी दिया जाता है इसके लिए। और जब भी पेशेंट जो है वो आइसोनाइजेड हम उसको देते हैं, तो उसके साथ उसको जो है वो फिर हमें पिरिडॉक्सिन भी देनी पड़ती है, ताकि न्यूरोटॉक्सिसिटी उसमें ना हो, अगर लंबी थेरेपी हमने देनी है तो। जी करीहा, आप सवाल करें, क्या आप सवाल कर रही थी? कर मैम, ये जो क्वांटिफेरॉन टेस्ट है, ये हम प्रेगनेंसी में भी करवा सकते हैं अगर किसी को सकते टीबी हैं, बिल्कुल सस्पेक्ट करवा करना है? सकते हैं। अब देखो, प्रेगनेंसी में तो डायग्नोसिस और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइन सिम्टम्स बाज दफा वेरी करते हैं, जनरल वीकनेस है और इस तरह की जो लेथार्जी है, ये सब चीजें जो है वो बाज दफा, क्योंकि बाद फुल ब्लॉन्ड सिम्टम्स नहीं होते कि वो कफ हो, फीवर हो, नाइट स्वेट्स हो, जनरलाइज्ड वीकनेस हो, खास तौर पे अगर वो 2 हफ्ते तक परसिस्ट कर रही है और किसी भी चीज से सही नहीं हो रही, तो देन स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, खास तौर पे अगर कोई फैमिली हिस्ट्री भी है तो उस सूरत जी में हमें ये जरूर करवा लेना चाहिए। जाहिर है ये कोई रूटीन की स्क्रीनिंग तो नहीं है, ये सिर्फ कुछ केसेस में जिनमें हमें ऐसी सस्पिशन लगती है उस केस में, ठीक अच्छा, है। एक और क्वेश्चन हाँ है मैम। जी, मैम, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ है और उसको टीबी डायग्नोस हो जाता है और उसकी हाँ ट्यूबल प्रॉब्लम्स भी हैं, कि उसकी जो है वो हिस्टोरियो सेल्फ एंजियोग्राम पे ट्यूबल इश्यूज भी आ रहे हैं, तो एटीटी देने के बाद क्या उसके ट्यूबल फंक्शन रिस्टोर हो जाते हैं? देखो, अगर तो परमानेंट स्कारिंग जो बन जाती है ना वो ठीक नहीं होती, जो परमानेंट स्कारिंग एटीटी से कैसे ठीक हो सकती है, और खास तौर पे जो अगर एंडोसल्फिंग्स हो तो वो तो उसमें बिल्कुल रिजिड पाइप की तरह से हो जाता है जब स्कारिंग बनती है। जो इसकी जो बड़ी टिपिकल अपेयरेंस होती है ट्यूबरकुलस सेल्फ इंजाइटिस की, वो होती है इस्थमा नोडोजा, यानी उसकी जगह जगह पे कंस्ट्रिक्शंस बनी होती हैं। ट्यूब कैसे लगता है, जैसे ये सेप्टेटेड वो है ट्यूब है, तो ये हिस्टरोसल्पिंगोग्राफी पे आपको बड़ी टिपिकल बीडीड अपेयरेंस इसमें नजर आ जाएंगी, कि यानी थोड़ा सा ल्यूमन इंटैक्ट तो है लेकिन जगह जगह पे उसकी कंस्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं, जिसमें ट्यूबल पूरा अभी ऑब्लिट्रेट नहीं हुआ था, वरना ड्रग तो कॉर्नियल एंड से आगे जाए ही ना, तो ये वेरी इस वेरी टिपिकल। दूसरी चीज ये है कि बाज दफा इसमें एंडोमीट्रियम इतनी एट्रॉफिक हो जाती है कि इंट्राविसेशन ऑफ डाई इन टू द लिम्फेटिक्स एंड द वीनस सिस्टम, ये भी हमें देखने में मिलता है, जिसमें सारा यूट्रस के दाएं बाएं दोनों साइड्स पे सारा वेस्कुलर पैटर्न की तरह से वो डाई हमें नजर आती है। दिस इज बिकॉज ये अमूमन
दो दो फिजियोलॉजिकल रीजन इसकी ये है, अगर हम इमीडिएटली पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में करें, जब एंडोमेट्रियम थिन होती है, अभी बहुत डेवलप नहीं हुई होती, तो या तो डाई उनमें सारी चली जाती है साइनसिस में, या फिर उस वक्त जब एंडोमेट्रियल थिनिंग की वजह से फॉर सम रीजन, जैसे ये ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलस एंडोमेट्राइटिस है, वहां पे भी हमें ये इंट्रावाइजेशन ऑफ डाई पता चल जाती है। एंड समटाइम्स जो इसमें, ये तो बीडीड अपेयरेंस है ना, लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है कि ट्यूब की शक्ल एस शेप्ड हो जाती है, जिसको हम कॉक व्हील अपेयरेंस कहते हैं, एस शेप्ड की तरह से हमें नजर आती है, वो इतनी टॉर्चुअस हो जाती है। तो वो भी एक मतलब नॉट 100% स्पेसिफिक, लेकिन एक प्रेडिक्टिव पैरामीटर है कि ये हो सकता है ट्यूबरक्लोसो। अब ऐसे केसेस में जो है वो अब डायग्नोसिस डेफिनेटली करता है ऑन द एस्पिरेट्स, और ये जो सारा हम प्री मेंस्ट्रुअल बायोप्सी लेते हैं उस पे भी, और इसके अलावा अगर हम लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उस पे हम सैंपल्स ले सकते हैं, ये सारी चीजों पे बेस करता है, प्लस जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है उस पे भी, क्योंकि जो जीन एक्सपर्ट है वो तो सिर्फ टिश्यू बायोप्सी पे ही होगा, या अगर कोई एस्पिरेट है तो उस पे होगा, ब्लड पे ये जीन एक्सपर्ट जो है वो जरा उसके मतलब वो नहीं होता, लेकिन ये इन पे टिश्यू सैंपलिंग पे होता है, वो चाहे फ्लूइड हो चाहे वो टिश्यू हो। नहीं, मैडम, फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन हो सकती है इसमें? हाँ असिस्टेड इसमें जहां पे ट्यूब्स इस तरह से ब्लॉकेज हो, वहां पे आईवीएफ इसी का तो हमेशा से ही होता है, प्रोवाइडेड कि यूट्राइन डैमेज इतना ना हुआ हो, इसमें मैं क्योंकि वही पूछ रही थी, ये मतलब जो प्रोलॉन्ग एंडोमेट्रियम। स्टैंडिंग, अब ए सिम्टोमेटिक भी तो बाज दफा होते हैं, ए सिम्टोमेटिक तकरीबन 10 से 12% केसेस में होता है, तो अगर ये नहीं है फॉर सम रीजन, शी हैज कम टू अस फॉर इनफर्टिलिटी वर्कअप, उसमें एंडोमेट्रियल थिनिंग है, या समझो एशरमैन सिंड्रोम बना हुआ है, और जाहिर है हिस्टोस्कोपी इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक एज वेल एज द ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर एशरमैन सिंड्रोम, तो उसमें जो ट्यूबरकल्स हैं वो हमें नजर आ जाएंगे, बिल्कुल थिन एट्रॉफिक एंडोमेट्रियम होती है, और बार दफा ओवरऑल जो यूट्राइन मसल्स हैं उसके भी कॉन्ट्रेक्चर डेवलप होके यूट्रस भी उस तरह से उसका साइज कम हो जाता है, जैसे कॉन्ट्रेक्चर नहीं डेवलप हो जाते उस तरह से वो उसकी अपेयरेंस हो जाती है। देयर द थिंग्स आर अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बिकॉज अगर ये इतनी एक्सटेंसिव जेनिटल ट्रैक्ट ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें ला महाला ये ओवरीज भी इन्वॉल्व होती हैं, इट कैन कॉज ओफोफ्राइटिस एंड इट कैन कॉज ओवेरियन डैमेज एंड ओवेरियन फेलियर एज वेल, तो इसलिए जो है वो उस सूरत में तो फिर जाहिर है कोई उस तरह से आईवीएफ इक्सी वाला भी कोई स्कोप फिर नहीं रहता। अब आजकल के जमाने में तो और बहुत सारी चीजें हैं कि यूट्राइन ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, और फिर उसके बाद सरोगेसी भी हो सकती है, इसके अलावा आप यूट्राइन ट्रांसप्लांट करके और उसके उसमें फिर आप वो कर सकते हैं, और हार्मोनल बैकअप सारा थ्रू आउट प्रेगनेंसी देके, तो इनोवेशंस तो बहुत सारी हैं, बट एज पर आर कंट्री जो नीड्स हैं या जो चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से ये चीज़ तो वर्केबल नहीं होगी, लेकिन फिर उसमें फिर दूसरी चीजें होती हैं जैसे अडॉप्शन वगैरह, फिर वही एक चीज रह जाती है। ठीक है, तो जी मैम, बाकी जहां तक प्रेगनेंसी में भी डेफिनेटली आ सकता है पेशेंट कोई ऐसा प्रेगनेंसी में जिसके सारे साइन सिम्टम्स वो हों, और आपने उसको अगर कंफर्म कर भी लिया है तो उसकी ट्रीटमेंट भी होगी एज पर अ नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट, एक्सेप्ट के हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ चीजें नहीं देते, और अमूमन अगर पॉसिबल हो पेशेंट अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हमारे पास आया तो फिर तो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अमूमन हम आइसोनियाज़िड को भी अवॉइड करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पायराज़िनामाइड भी ना देनी पड़े, और लेकिन ये है कि जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन हमें करती है, मतलब इंडिकेशन हो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कि देना बहुत जरूरी है फॉर द मेटर्नल हेल्थ एंड वेलबींग एंड फॉर द लाइफ, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज बाईपास्ट, एवरी अदर थिंग इज बाईपास्ट टू ट्रीट द मदर, तो अदरवाइज हम उसमें ये सारी ट्रीटमेंट हम करते हैं, क्योंकि जो इनिशियल फेज में हम देते हैं वो तकरीबन सारी ड्रग्स सेफ हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज वेल। ठीक है, अब इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है, नॉट इन लेटेंट बट इन एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से बच्चे में कंजेनिटल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, अब बार दफा ऐसा होता है कि पेशेंट आफ्टर द बर्थ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन से बच्चे में इंफेक्शन आ जाता है, तो हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट द कंजेनिटल फ्रॉम पोस्टपार्टम इंफेक्शन,
वो ये कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फॉर कंजेनिटल जो है ट्यूबरक्लोसिस है उसमें जो है वो लिवर इन्वॉल्व होता है. सो देर इज हेपेटोटॉक्सिसिटी या हेपेटिक केजियस लीजन्स होती हैं बच्चे में इफ इट इज कंजेनिटल. और इसके अलावा वो उसकी कंफर्मेशन होती है प्लेसेंटा के साथ भी, प्लेसेंटा की हिस्टोपैथोलॉजी के साथ भी. तो प्लेसेंटा में अगर पॉजिटिव है और बच्चे के लिवर में लिगेंड्स हैं तो दिस इज कंजेनिटल. और अगर इसमें पल्मरी है और लिवर इज बाईपास या उसमें प्लेसेंटा में भी नहीं है तो देन इट इज पोस्टपार्टम. तो उसमें जो है वो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रीटमेंट फर्क हो जाती है, ड्यूरेशन फर्क हो जाती है, टाइप फर्क हो जाती है. मदर दो कैन बी गिवन ऑल द दिस एटीटी जो है उसमें ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी हम दे सकते हैं. लेकिन वो जो एटीटी जो मदर ले रही होती है वो बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करती. लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में हमने पिरिडॉक्सिन पेशेंट को देनी होती है. बच्चे को सिर्फ पिरिडॉक्सिन उस वक्त दी जाती है जब उसको हम खुद आइसोनाइजर दे रहे हो, तो न्यूनेट्स में जो है. तो इसलिए न्यूनेटल जो है इसमें उसमें ये डायग्नोसिस डिफ्रेंशिएट करना बड़ा जरूरी हो जाता है. हाँ जी, इसमें कोई और क्वेरी या कोई और क्वेश्चन जो रह गए हो या मैम, जो बच्चे को भी फिर दिया जाएगा ट्रीटमेंट अगर डायग्नोस हो जाता है? डेफिनेटली अगर वो कंजेनिटल है या उसने इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया फ्रॉम द मदर बिकॉज शी इज एक्टिवली ट्यूबर उसमें है, ये खासतौर पे पल्मरी ट्यूबरक्लोसिस में तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है. सो द मदर हैज टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. और बच्चे अगर कैच कर जाता है तो बच्चा भी बच्चे को भी दी जाती है फिर ट्रीटमेंट, और ज्यादातर उसको आइसोनियाज़िड और इन चीजों के साथ ट्रीट किया जाता है. बट पीडियाट्रिशियन की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही फिर ये सब चीजें चल रही होती है. ठीक है जी. मैम, जो कंजिनेंटल टीबी है आपने कहा कि उसकी बेबी के मैम जो दोबारा कंजिनेंटल क्वेश्चन करें. मैम जो कंजिनेंटल टीबी है आपने कहा उसमें बेबी के लिवर में कुछ लियन होंगे, क्या लिवर में लियन? लिगेंड्स होंगी और प्लेसेंटा पॉजिटिव होगा फॉर दिस AFB और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी विल बी कंक्लूसिव. और मैम प्लेसेंटा वल्वर वल्वर कोई भी ऐसे केस में जब मदर को ट्यूबरक्लोसिस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने डिस्कवर कर ली और उसको हमने ट्रीटमेंट भी देनी शुरू की तो हम उसमें प्लेसेंटा की बायोप्सी जरूर करवाते हैं ठीक है जस्ट मैम. टू नो कि वेल प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा अगर इन्फेक्ट हो गया तो बच्चा भी इन्फेक्ट होगा क्योंकि वो फिर कॉर्ड के जरिए वो सारा कुछ जा रहा होता है. मैम, वल्वा में अगर कोई अल्सर हो तो उसकी बायोप्सी से हम जो है कौन कौन सी टाइप से लेंगे? देखो उसकी बायोप्सी में उसका देख हमें अभी तक नहीं पता कि ये ट्यूबरकुलस अल्सर है या मेलिग्नेंट अल्सर है. तो डेफिनेटली मार्जन को लेना बड़ा जरूरी है. मिनिमम 5 मिलीमीटर उसके मार्जन का लेना बड़ा जरूरी है. और उसके साथ उसका जाहिर है अल्सर का भी कुछ एरिया, पूरा अल्सर हम नहीं निकाल रहे होते, अल्सर का कुछ एरिया और उसके मार्जिन का कुछ एरिया, तो इस पे हमें पता चल जाता है. ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन नहीं तो हम फिर स्टॉप करें इसको. मैम, इसको कोई पैटर्न मतलब नेम नहीं है, बस ऐसे कहेंगे कि हम जो है अल्सर का थोड़ा एरिया और बस उसके इसमें ये कि वी विल टेक बायोप्सी फ्रॉम द अल्सर एज वेल एज द मार्जिन, सिंपल मार्जिन्स, एज क्लियर दैट. मार्जिन. ठीक है, अच्छा, क्योंकि हेलो अब इसी तरह का अल्सर जो है वो अगर फर्ज किया ये अब कोई भी मेलिग्नेंट अल्सर सेकेंडरीली हेलो इन्फेक्ट हो सकता है विद द इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो उसमें भी इस तरह का एक्सुडेट तो हो सकता है, पस भी हो सकती है. तो उसमें फिर उसकी मेलिग्नेंसी को तो रूल आउट हम करते हैं क्योंकि मार्जन जो हेल्दी मार्जन है और जो जो उसका अल्सर है उसके दरमियान के तो सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहीं से हमें पता चलेगा कि मल्टीप्लाइंग सेल्स हैं या नहीं है, नियोप्लास्टिक सेल्स हैं या नहीं है. मैडम, रेस्क्यू थेरेपी का आपने अच्छा, क्या बताया, क्या ड्रग बताई रेस्क्यू थेरेपी में? रेस्क्यू बेसिकली रेस्क्यू एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जिनको हम एज अ लास्ट रिजॉर्ट कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद फिर कोई और मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स इतना इफेक्टिव रहती नहीं है. सो दीज मेडिसिन शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट. अब ये जो जितनी मेडिसिन मैंने बताई है ना, ये लिवोफ्लॉक्सेसिन है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, या एथिनोनमाइड हैं, या फिर ये लाइनजोलेट, तो ये इन सब को का इस्तेमाल फॉर सिंपल रीजन बहुत सोच समझ के किया करें.
लाइनजोलिड वो है जो नेस्किल के नाम से आती है, जो बाज दफा बड़ा कॉमनली लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनका इस्तेमाल सोच समझ के हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर जो है वो बाकी चीजों की फिर सेंसिटिविटी उस तरह से बैक्टीरिया की फिर उस तरह से आती भी नहीं और रहती भी नहीं। ठीक है, अच्छा मैम, अगर ये ATT से रिस्पॉन्ड कर जाता है अल्सर, तो ये रिड्यूस हो जाएगा साइज में जब हम पेशेंट को फॉलोअप हाँ के वो लिए तो फिर बुलाएंगे। हील हो जाएगा ना, वो अल्सर एक एक अगर बैक्टीरिया की वजह से है उसको हमने ट्रीट कर लिया और तो अगर फिर ये इन केस ये नहीं रिजॉल्व हुआ? नहीं, फिर तो वो मेलिग्नेंट होगा, जो कि अगर ऐसा होता नहीं है कि एंटी जो आपने अगर नहीं हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है जो जो रूटीन की ATT को रेस्पॉन्ड नहीं किया, और या फिर ये कोई मेलिग्नेंसी है जिसको हमने एज द फर्स्ट स्टेप जो है वो मिस कर दिया। यही दो मतलब इसका कोई पॉसिबिलिटी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट तो और नहीं है ना? तीसरी बड़ी वजह ये है कि पेशेंट कंप्लाइंट नहीं है ट्रीटमेंट को, तो इन सारे वेरिएबल्स को फिर देखें। लेकिन जो पेशेंट ATT ले रहा हो, आखिर हमने किसी डायग्नोसिस के बाद ही उसको बनाया है ना, ATT ले रहा हो, नहीं रेस्पॉन्ड किया, ऑलवेज सेकेंड जो सबसे पहली थॉट आनी चाहिए वो ये कि कहीं ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है, और तीसरी जो बड़ी वजह आपके जहन में आनी चाहिए कि मरीज सही तरह दवाई ले भी रहा है या नहीं ले रहा। और ये बहुत बड़ा मसला होता है, जाहिर पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं इसमें, पेशेंट को साइन सिम्टम्स भी होते हैं जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस के, ड्रग कॉम्प्लिकेशंस के, तो पेशेंट छोड़ देता है दवाई लेना, खासतौर पर जो हमारे बहुत ज्यादा एजुकेटेड पेशेंट नहीं होते, और उन्हीं में ही ज्यादा जो लो इकोनॉमिक क्लास है या पॉवर्टी वाली जो जिसमें है या बहुत पैक्ड हाउसेस में जो रहते हैं, तो वहां पे ये ज्यादा कॉमन है और वही ज्यादा नॉन कॉम्प्लाइंट भी है। यही वजह है कि ATT फ्री मिलनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और इसी में डॉट का कंसेप्ट भी इसीलिए आया था क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के डेवलप होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग लेते नहीं है, या जब कोई जब कोई साइन सिम्टम्स हुए कॉम्प्लिकेशन के तो छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों के बाद ले लिया, या फिर ऑल टुगेदर छोड़ दिया, जरा सा फर्क पड़ा तो छोड़ दिया, तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट वाला कंसेप्ट आया था। ठीक है, चलें जी, अब इसको हम फिर खत्म करें। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, अब आगे आगे क्या पढ़ना है, कोई है आपके जहन में? मैम, वार्ड प्रोटोकॉल्स कैसे सेट करनी चाहिए? जैसे एग्जाम में सिनेरियो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक पे आ जाए और कैसे क्वेश्चंस करें उस पे सेट वार्ड प्रोटोकॉल यू मीन व्हाट? ये करना। इसके ये तो बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी है ना, मैम आता है ना फ्रीक्वेंटली? मतलब ये कि मतलब यही है ना कि ये वाला पेशेंट, ये आपके डिपार्टमेंट में ये वाली सारी चीजें, मतलब इतने पेशेंट ज्यादा हैं तो उसमें आप उसका प्रोटोकॉल लिखें, कि प्रोटोकॉल होता है बेसिकली कि हाउ यू केटर अ पेशेंट एंड हाउ यू ट्रीट एंड मैनेज अ पेशेंट, जो SOPs होते हैं या प्रोटोकॉल राइटिंग है। फॉर सपोज प्रोटोकॉल है फॉर एक्लेम्शिया, आप एक्लेम्शिया का प्रोटोकॉल लिखें, कैसे उसको वो करेंगे मैनेज, तो वो तो वही चीजें तकरीबन होती हैं जो हमारी गाइडलाइंस में होती हैं, दैट इज द प्रोटोकॉल। ठीक मैडम है, रिसर्च टीचिंग आया हुआ था, हाउ टू टीच रिसर्च रिसर्च टीचिंग टीचर्स, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, वो वाला जो आया था। रिसर्च राइटिंग या रिसर्च बेसिकली एनालिसिस होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो उसको वैसे हमने मेरा ख्याल है कुछ महीने पहले ये सब चीजों को हमने कवर किया था। जी मैम मैडम, रिसर्च आपने टीचिंग को टीचिंग, किया था हाँ सारा लेकिन कुछ ये ही किया था। चीजें मैम, हाँ जी, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि भूल जाते हैं और मतलब समझ में भी नहीं आती इतनी अच्छी तरह हाँ, से। अब वार्ड प्रोटोकॉल में क्या चीज समझ नहीं आती? मैम पेशेंट पता नहीं आपके पास कैसे आया, रहने उसमें देते हैं। ABCD क्या है, उसके बाद उसकी स्पेसिफिक मैनेज क्या है, राइट अ प्रोटोकॉल फॉर ए क्लेम्शिया इन योर वार्ड। ठीक है ना, कि इस तरह से आ गया। अब उसमें आप आपके पास पेशेंट आ गया, अब आपने उसको जो है वो उसके बेसिकली जो जनरल रिससिटेशन मेजर्स होती हैं वो क्या हैं, और उसके बाद फिर आपने उसकी मैनेजमेंट किस किस तरह से चलानी है, दैट इज द प्रोटोकॉल। जी मैडम, एस्कपिज्म कह लें या प्रोटोकॉल कह लें, एक ही बात होती है। ठीक है, तो जी मैम, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसा मसला है। प्री मेच्योर ओवरियन इनसफिशिएंसी हुआ है, डिस्कस वो करें। हाँ मेरा ख्याल है वो नहीं अभी तक हुआ।
चलो लेकिन मैम एक मैंने एक जब चीज जो मेरे जेन में थी वो मैं खुद भी जरा टॉपिक एक आध डिसाइड कर लूंगी, लेकिन इसको भी कवर कर लेंगे प्लीज, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है नाउअडेज। मैम यस मैम मतलब सेकेंडरी एमेनोरिया के हाँ तौर भी आता है और सब फर्टिलिटी के तौर पे भी आता है हाँ दोनों। डेफिनेटली, ये जो ओवेरियन इनसफिशियंसी बेसिकली है कि ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग ओवेरियन फंक्शंस इवन एट यंग एज। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम स्टॉप करते हैं थैंक आज की क्लास को। ठीक है, यू मैम, जजाक अल्लाह खैर मैम। थैंक यू मैम।